हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका वोरा त्रिवेदी। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 प्रोडक्ट्स अंडर 230 रुपीज़ जो न्यूली लॉन्च है और बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, जिससे मैं ऑब्सेस्ड हूँ। सो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। क्विक डिस्क्लेमर कि इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो न्यू लॉन्च नहीं है, बट मैंने परचेस अभी थोड़े टाइम पहले ही किया है, सो मेरे लिए तो वो नया ही प्रोडक्ट है। सो वो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है। सो फर्स्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है ये, दिस इज़ दी इनसाइड कॉस्मेटिक्स हाई कवरेज फाउंडेशन। आपको पता होगा लास्ट टू लास्ट मंथ शायद ये लॉन्च हुआ था, और जब से ये लॉन्च हुआ है लोगों ने इसके बारे में बहुत बात की है शायद, और मैंने भी इसको यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आप देख सकते हो इसके इस टाइप की कुछ पैकेजिंग है। मेरा शेड है इसमें MN20 और ये रिटेल करता है 220 रुपीज़ ओनली, बहुत ही कम प्राइस में है। और ये 20 ml ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा 10 ml कम मिलता है इसमें, बट जो ये प्रोडक्ट है आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरियसली फुल कवरेज है। और अगर आप मेरे शेड, मतलब आप मेरा शेड रिफ़र करते हो 230 मेबिलिन फिटमी में, तो आप ये शेड के लिए जा सकते हो। दिस इज़ दी MN20 जो मेरा एग्जैक्ट मैच है। सो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आप डेफिनेटली एक बार इसको ट्राई कर सकते हो अगर आप फाउंडेशन खरीदना चाहते हो बजट में तो, ठीक है। देन आफ्टर मैं आपके साथ और एक फाउंडेशन शेयर करूँगी, वो है ये, दिस इज़ दी NYB लिक्विड ड्रॉप ड्यूई ड्रॉप फाउंडेशन। ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन, ये फुल कवरेज नहीं है, ये मीडियम कवरेज है, आप इसको हाई कवरेज तक बिल्ड कर सकते हो। और इसमें मेरा शेड है 5 कैपुचिनो, स्लाइट बिट ऑफ मेरे स्किन से डार्क है, बट इट्स ओके, मुझे डार्क फाउंडेशन से प्रॉब्लम नहीं है, लाइट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैं मिक्स एंड मैश तो कर ही लेती हूँ। और ये रिटेल करता है 229 रुपीज़ का, और इसमें आपको आई थिंक 30 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें आपको 30 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका बस एक ही प्रॉब्लम है, इसमें आपको शेड काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बट इसका है ना ये क्या बोलते हैं, पैकेजिंग अच्छा नहीं है। ये काफ़ी थिक फाउंडेशन है, और जब आप इसे निकालने जाते हो तो ये निकलता नहीं, और ये कांच का बॉटल है, सो ये लगता भी है हाथ में, बट अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। देन आफ्टर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए भी मेरे पास ये कंसीलर, दिस इज़ द NYB कंसीलर। ये उनका न्यू लॉन्च है, मतलब उनका पहले राउंड पैकेजिंग में आता था, ये स्क्वायर वाला पैकेजिंग है उनका। और इसमें मेरा शेड है 06 कॉफ़ी, और ये रिटेल करता है 225 रुपीज़ का, बट आपको ऑलवेज सारे में है ना अंडर 200 के ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आराम से। सो ये बहुत अच्छा कंसीलर है, ये एक्चुअली मेरे शेड से दो एक शेड डार्क है, मेरे स्किन टोन से मैं इसको करेक्टिंग कंसीलर के तरीके से यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। और अगर आपको मतलब इसमें भी काफ़ी सारे शेड मिल जाएंगे, आप आपके स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। मैंने इसको एज अ करेक्टिंग कंसीलर यूज़ किया है, और अगर फेयर स्किन टोन के हो तो आप इसको एज अ कॉन्टोर शेड या ब्रॉन्जर शेड इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्लशर। ब्लशर के लिए मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है ये NYB सनसेट स्काईलाइन ब्लश। ये 230 रुपीज़ का रिटेल करता है, और इसमें मेरा शेड है 5 हेविली पिंक। बहुत ही अच्छा शेड है, बहुत क्यूट सी पैकेजिंग, छोटी सी पैकेजिंग में आता है, और इस टाइप का कुछ शेड है, थोड़ा सा मॉविश पिंक शेड है। मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, इसमें स्लाइट बिट ऑफ शीन है, बट वो आपके फेस पे इतना ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं होती है, और बहुत अच्छे से ब्लेंडेबल ब्लश है, मतलब अगर आप मेरे स्किन टोन पे के हो तो ये आपके स्किन पे बहुत अच्छे से है ना मॉविश ब्लश दिखेगा, और बहुत अच्छा और बहुत ही स्मूद है, वो स्मूद है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और ये सिर्फ 230 रुपीज़ का रिटेल करता है, तो डेफिनेटली आपको है ना NYB पे तो काफ़ी बार बाय वन गेट वन होता है, तो आप उस हिसाब से परचेज कर सकते हो। देन आफ्टर जो लास्ट प्रोडक्ट है जो न्यू लॉन्च नहीं है पर मैंने बहुत टाइम बाद खरीदा है, वो है ये, दिस इज़ दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। मुझे पता है कि स्विस ब्यूटी ने अब और एक कंसीलर लॉन्च कर दिया, बट मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था। ये 229 रुपीज़ का रिटेल करता है, मेरा इसमें शेड है 05, आई थिंक मीडियम ऑयन है ये, 05 मीडियम है, बट 05 है ये।
और ये मेरे स्किन से थोड़ा सा लाइट है तो मैं इसको हाइलाइटिंग कंसीलर के तरीके से यूज़ करती हूँ, बट ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, एक बार सिर्फ कंसीलर आप लेना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ये दोनों कंसीलर डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मेरे पास मेबेलिन फिट मी भी है, वो भी मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस आप देखने जाओ तो ये दोनों कंसीलर बहुत अच्छा काम करते हैं। सो प्राइस के हिसाब से ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा है। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। Thank you for watching.